प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। कल्याणमस्तु। अश्विनी कुमारो, तुम दोनों स्वर्गलोक छोड़कर कहां जा रहे हो? देवर्षि, देवराज इंद्र ने हमें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया है। नारायण नारायण, निष्कासित कर दिया? ऐसा कौन सा अपराध किया है तुम दोनों ने? देवऋषि, उन्हें हमारा रोगग्रस्त प्राणियों का उपचार करना अच्छा नहीं लगा। नारायण नारायण, ये तो प्राणियों की पुनीत सेवा है। किंतु देवर्षि, देवराज का मानना है कि हमने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करके देवताओं के सम्मान पर आघात किया है। नारायण नारायण। और तो और देवऋषि, वो ये भी कहते हैं कि ईश्वर जिन्हें रोग व्याधि देकर दंडित करता है, हम उन्हें स्वस्थ करके ईश्वर के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं और इसका दुष्परिणाम स्वर्ग के देवताओं को भोगना पड़ता है। नारायण नारायण, मुझे तो देवराज की बुद्धि पर दया आती है अश्विनी कुमार। किंतु देवराज की मान्यता से भिन्न एक सार्वजनिक मान्यता भी है देवर्षि। ऐसी कौन सी मान्यता है? वो ये कि यात्रा के आरंभ में नारद मुनि मिल जाए तो सफलता भी अवश्य मिलती है। नारायण नारायण, बात बड़ी चतुराई की करते हो अश्विनी कुमार। नारद के मिलने से यात्रा में यश अवश्य मिलता है, किंतु पीछे पीछे नारद की निंदा ही होती है। नारायण नारायण। क्षमा कीजिएगा देवर्षि, किंतु मूर्ख निंदा करते हैं, चतुर तो प्रशंसा ही करते हैं। अपना अभिप्राय स्पष्ट करो अश्विनी कुमार। देवर्षि, हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बताइए। मार्ग कठिन है अश्विनी कुमार, किंतु सच्ची श्रद्धा अधिक भक्ति उसे सरल बना देती है। हम आपके निर्देशों का हृदय से पालन करेंगे। तो पुकार उस ममतामयी माता गायत्री को, वो शिशुओं की पुकार कभी अनसुनी नहीं करती। नारायण नारायण। माँ गायत्री, हमें दर्शन दो माँ, हमें दर्शन दो माँ। माँ, प्रणाम गायत्री माता। वत्स, हमारी ममता को आंदोलित करने वाले पुत्रों, तुमने हमें किस उद्देश्य से प्रकट होने को विवश किया? कण कण क्षण क्षण में व्याप्त रहने वाली माँ, अंतर मन की हर धड़कन में भ्रमण करने वाली माँ, हमारी इच्छाओं हमारी कामनाओं से अपरिचित कैसे रह सकती? माँ के सम्मुख पुत्रों की इच्छाओं का विस्तार पल पल घटता बढ़ता रहता है, क्षण क्षण बदलता भी रहता है, जिससे माँ कभी कभी स्वयं भ्रमित हो जाती है। माते, हम बाल हट नहीं करेंगे और ना ही आपको भ्रमित करने का प्रयत्न करेंगे। आप प्रसन्न हैं तो जो भी इच्छा होगी मांग लेंगे। तुम दोनों अभी मुझे भ्रमित करना चाहते हो? कहो पुत्रों, तुम्हारी क्या इच्छा है? तत्काल तो हमारी एक ही इच्छा है। मुझसे कहो वत्स। हम दोनों ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। माते, हमें ब्रह्म ज्ञान दे। ब्रह्म ज्ञान के महान पुजारी हमारे परम भक्त ब्रह्म ज्ञानी महर्षि दधीचि द्वारा तुम्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तुम दोनों उन्हीं की सेवा में जाओ, उन्हीं से निवेदन करो, तुम्हारा कल्याण हो। तापस जी, ब्रह्मर्षि दधीचि का आश्रम यही है? हाँ यही है।
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महर्षि दधीचि जी, प्रणाम। प्रणाम। कल्याणमस्तु। सूर्य पुत्रों का स्वागत है इस आश्रम में। अरे तुम लोग नीचे क्यों बैठ गए? ब्रह्मर्षि, ज्ञान तो गुरु के चरणों में ही अर्जित किया जाता है। अपना अभिप्राय स्पष्ट करो। ब्रह्मर्षि, आदि शक्ति माँ गायत्री की कृपा तथा आदेश अनुसार हम आपसे दीक्षा प्राप्त करने आए हैं। माता गायत्री के आदेश दीक्षा? हाँ ब्रह्मर्षि, ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दीक्षा। मुझे प्रसन्नता होगी तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देकर। किंतु ब्रह्मर्षि, हम अपनी व्यथा कथा से आपको अवगत करा देना अति आवश्यक समझते हैं। तुम्हारी व्यथा कथा रहस्यमयी है या रोमांचकारी? दोनों से भिन्न। ब्रह्मर्षि, हमें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया है। ब्रह्मर्षि, स्वर्ग का परित्याग करने से पूर्व हमने इंद्रदेव से कहा था कि हम ब्रह्म ज्ञान लेकर ही लौटेंगे। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी वत्स। किंतु ब्रह्मर्षि, इंद्रदेव ने प्रतिज्ञा की है कि जो भी हमें ब्रह्म ज्ञान देगा वो उसका शीर्ष काट देंगे। दुराग्रही इंद्र, मैं तुम्हारी घोषणा से भयभीत होने वाला नहीं हूं। उसे मृत्यु का क्या भय जो सुनिश्चित है और अटल है। वत्स, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान अवश्य दूंगा, चाहे ये शरीर ही नष्ट हो जाए। तनिक चिंता नहीं मुझे, तनिक भी चिंता नहीं। किंतु ब्रह्मर्षि, हमें तो चिंता है। ब्रह्मर्षि, आपकी इस काया का सुरक्षित रहना हमारे लिए, इन आश्रम वासियों के लिए और संसार वासियों के लिए अति आवश्यक है। परंतु इंद्र हठी है, कपटी है, वो मेरा सिर अवश्य काटेगा वत्स। ब्रह्मर्षि, किंतु ये हमसे सहन नहीं होगा। तो क्या तुम दोनों से युद्ध करोगे? श्रद्धेय, आप तो दया के सागर हैं, आपको भली भांति ज्ञात है कि युद्ध से किसी भी समस्या का ना तो समाधान हुआ है और ना ही होगा। तो फिर तुम दोनों क्या करोगे? युक्ति से काम लेंगे। हम इंद्रदेव को अपना कौशल दिखाएंगे। क्या कौशल दिखाओगे, हमें भी बताओ वत्स। ब्रह्मर्षि, हम दोनों देवताओं के वैद्य हैं एवं आपके चरणों के प्रताप से हमने भगवान विष्णु से चिकित्सा कला, औषधि ज्ञान एवं शल्यक्रिया के सारे गुर सीखे हैं। ब्रह्मर्षि, हम शल्यक्रिया द्वारा आपका सर धड़ से अलग कर देंगे। वत्स, क्या यह संभव है? संभव है ब्रह्मर्षि, ना ही आपको पीड़ा होगी ना ही आपकी चेतना लुप्त होगी। हम आपके शीश के स्थान पर अश्व का शीश जोड़ देंगे। अरे वाह, बड़े चमत्कारी हो तुम दोनों, मुझे अश्वशिरा बना दोगे? कुछ काल के लिए ऋषिवर। फिर तो मुझे ही तुम दोनों की गुरु पूजा करनी होगी। तुम महर्षि, ऐसा कहकर हमें लज्जित न कीजिए। वत्स, तुम्हारे चिकित्सा शास्त्र में हास्य को बहुत महत्व दिया जाता है ना? हाँ ब्रह्मर्षि, आपका कथन सत्य है। हास्य मन को आनंदित करता है और मन का आनंद मनुष्य को दीर्घजीवी बनाता है। ब्रह्मर्षि, हमारा आपसे एक निवेदन है। निसंकोच कहो अश्वनी पुत्रों। इंद्रदेव के गुप्तचर इस आश्रम में हमारी उपस्थिति अवश्य प्राप्त कर लेंगे। नहीं अनुज,
उससे पूर्व हम अपना कार्य कर लेंगे। हाँ शुभश्य शीघ्रम। चलो अनुज, हम अश्व का शीर्ष प्राप्त करके उपस्थित होते हैं। आज्ञा दीजिए ब्रह्मर्षि। कल्याणमस्तु। नारायण नारायण। पराशक्ति मां, मेरी प्रत्येक सांस, मेरा जीवन, मेरा सर्वस्व आपको समर्पित है। हे अंतर्यामी माते, मैं नहीं जानता अश्वसेरा बनना उचित है अथवा अनुचित। भयभीत होकर मैंने ऐसा नहीं किया है। मेरी अंतरात्मा ने अश्वनी कुमारों के अनुरोध को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया है माते। वत्स। माते। जानती हूँ वत्स, तू सत्य, प्रेम, उदारता तथा त्याग का जीवंत प्रतीक है। मेरे परम भक्तों में तेरा सबसे ऊंचा स्थान है। हे ममता मई माते, अपने इस तुच्छ भक्त पर सदैव कृपा बनाए रखना। वत्स दधीची। आज्ञा करे माता। भविष्य में घटित होने वाले प्रमुख घटनाओं के तुम प्रमुख पात्र हो। आप माता भविष्य नियंता है। आप जिस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे, मैं उसी मार्ग पर चलकर जीवन सार्थक करूंगा। मेरा आशीर्वाद है पुत्र, तुम जीवन मृत्यु दोनों को सार्थक करते हुए अमृतत्व प्राप्त करोगे। अमरत्व की इच्छा नहीं है माते, केवल एक ही इच्छा है, आपके पावन चरणों में स्थान मिल जाए। तथास्तु। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। आ गए अश्वनी कुमारो। हाँ देवर्षि। देवर्षि, आप अपने नेत्र मूंद लीजिए एवं प्रसन्नचित्त रहिएगा। चैतन्य रहने के लिए यह क्रिया अत्यंत आवश्यक है। शल्य क्रिया आरंभ करो अश्वनी कुमारो। जो आज्ञा देवर्षि। प्रकार की पीड़ा हुई? नहीं अश्वनी कुमार। इसका तात्पर्य यह है कि हमारा कार्य सिद्ध हो गया। ब्रह्मर्षि, अब हमें आज्ञा दीजिए। आयुष्मान भव। आइए भ्राताश्री। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय हो। कहो गुप्तचर, कोई विशेष समाचार लाए हो?
प्रभु दैत्यों के किसी नए षड्यंत्र का सूत हाथ तो नहीं आया, किंतु अश्विनी कुमार भूलोक के प्रसिद्ध ऋषि दधीची के आश्रम में है। बड़े धूर्त है, भूलोक पहुंच गए। महर्षि दधीची विश्वामित्र की भांति ब्रह्मज्ञानी है। हाँ, वे परम दयालु है, निष्काम सेवाभावी, निर्भय योगी है। दक्ष यज्ञ में दधीची ऋषि से भगवान भोलेनाथ की भी उपेक्षा सहन नहीं हुई थी। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को भी फटकारा था। दक्ष को भयंकर परिणाम की चेतावनी देकर शिष्यों सहित यज्ञ का बहिष्कार किया था। हाँ देवराज, देवताओं का यज्ञ भाग लेने के लिए हम भी उस यज्ञ में उपस्थित हुए थे। स्मरण है, महर्षि दधीची ने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म ज्ञान भी दिया होगा। अवश्य दिया होगा। मैं दधीची ऋषि का सिर अवश्य काटूंगा। देवराज, कहीं ऐसा करने से हम स्वर्ग के लिए विपत्ति को आमंत्रण तो नहीं दे रहे? मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, परिणाम कुछ भी हो। कहां है दधीची? यहां अंदर है। कहां है दधीची? देवराज, कुटी में प्रकाश की व्यवस्था है, संभवतः आपके नेत्रों की ज्योति मध्यम हो गई है। मैं ही दधीची हूं।